अच्छा अभी सक्सेस की बात हो रही है, सक्सेसफुल पर्सन की बात हो रही है। आई वॉन्ट योर ओपिनियन, आपके जहन में वर्ड्स कम इंटू योर माइंड जब आप सक्सेस का लव सुनते हैं, वर्ड सुनते हैं, वर्ड कम्स इंटू योर माइंड? जब मैं सक्सेस का लव सुनता हूं तो मैं सक्सेस को किस तरह से देखता हूं? जी, वर्ड्स कम इंटू योर माइंड, आपके माइंड में क्या आता है, उसमें मनी आ सकती नंबर वन है? थिंग दैट आई टेक इट्स नॉट अ शॉर्टकट. आई डोंट टेक सक्सेस एज अ शॉर्टकट थिंग. शॉर्टकट पे जिनको सक्सेस मिली है, यू नो इट कि वो एक दफा सक्सेसफुल होते हैं और उसके बाद वो कहाँ गुम हो जाते हैं, आपको मिलते भी नहीं वो दोबारा. अरशद चाय वाला, एकदम लोगों ने उनको बिठा के ऊपर ले गए, देयर वाज अ शॉर्टकट. कहाँ गए वो आज? पारी और ये गर्ल कहाँ पे? आई मीन अब उसकी बाकी वीडियोस क्यों नहीं वायरल हो रही जो नई आ रही हैं? तो वो ओवरनाइट सक्सेस जो है ना, वो एक आप उस पर स्टैंड नहीं करते. मैं ये नहीं कह रहा, आई मीन शी इज टैलेंटेड, शी इज टैलेंटेड एंड और वो चीजें होंगी, लेकिन उसकी किस्मत ने साथ दिया ना, वो किस्मत ने उसको सक्सेसफुल बनाया. बट स्टिल अब उसके बाद उसको वो मेंटेन करना है, दैट्स अ डबल चैलेंज फॉर हर. तो ओवरनाइट जो चीजें हैं वो ओवरनाइट ही खत्म होती हैं. शॉर्टकट्स हैं ही नहीं सक्सेस के. सक्सेस इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट पाथ दैट यू हैव टू गो थ्रू विदाउट क्विटिंग. देर इज नो ऑप्शन ऑफ क्विटिंग इन 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 द सक्सेस वे इफ यू आर गोइंग टूवर्ड सक्सेस. तो अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे सक्सेस का मतलब लगता है कि आपको इंतहा की मुश्किलात देखनी पड़ेंगी. आपको शायद रातें अपनी जागनी पड़ेंगी, अपने विजन के ऊपर, अपने मिशन के ऊपर काम करना पड़ेगा. आपको शायद अपने फ्रेंड्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको उनको नाराज करना पड़ेगा, आपको अपनी फैमिली मेंबर्स को मोस्ट ऑफ द टाइम नो कहना पड़ेगा. व्हेन दे विल से वी हैव टू गो ऑन अ वेडिंग टू नाइट, यू वुड से नो आई हैव टू वर्क. व्हेन योर फ्रेंड्स विल बी कॉलिंग लेट्स हैव पार्टी टू नाइट, नो आई डू नॉट हैव टाइम टू पार्टी, आई डू नॉट हैव टाइम टू वॉच अ मूवी, आई हैव टू वर्क ऑन माई टारगेट्स. सो इट्स समथिंग जो आपको बहुत ज्यादा ऐसी छोटी 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 फाइट्स का नाम है सक्सेस, जो आप उसके साथ, आप पूरी डेडिकेशन के साथ उसको करते हैं, देन यू इम्प्रूव. जैसे ये बात आ रही है हमें बहुत सी चीजों को नो कहना पड़ेगा, लेकिन इसमें ऐसा भी तो है कि हमें अपने आप को भी टाइम देना है। देखिए व्हाट यू आप, थिंक, अपने आप को टाइम देना भी जरूरी? मैं आपको एक बात बताता हूँ. मेरे फादर ने मुझे एक दफा बताया था, उन्होंने कहा था कि एक क्या लफ्ज हो सकता है कि एक जो सेंसिबल इंसान है ना, वो एवरेज लाइफ गुजारता है, और जो एक इंसेन हो जाता है किसी चीज के पीछे, वो कामयाब होता है. सेंसिबिलिटी ये कहती है कि तुम लेट्स सपोज 8 घंटे की नींद लो, 4 घंटे फैमिली के साथ स्पेंड करो, 9 to 5 काम करो, दैट्स अ सेंसिबिलिटी, एंड यू विल बी मेकिंग गुड फॉर योर फैमिली, दैट्स इट, इट्स ओवर. लेकिन जो पागल जुनूनी होते हैं ना, दे मेक सक्सेस. वो काम करते हैं कि यार उनको फर्क नहीं पड़ा 9 to 5 से, वो रात के 3 बजे उनको उनको जो है ना नींद नहीं आ रही, वो 3 बजे उठ के बैठ गए काम करने, और अगले दिन रात को 6 बजे लेट सपोज उन्होंने छोड़ा है, उन्हें कोई होश ही नहीं है मैंने खाना खाना, उन्हें कोई होश ही नहीं है कि मैं फैमिली के अंदर रहता हूँ, उन्हें कोई होश ही नहीं है लोग मुझे बुलाने आ रहे हैं, मैं उनको रिजेक्ट कर रहा हूँ. गेटिंग इट? तो जो ये सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, ये एक इनसेन माइंडसेट का नाम है. मैं अभी एक रिसेंटली एक बात कर रहा था एक जगह के ऊपर, आप देखिए तो सही कि जो सक्सेसफुल हुए उन्होंने कितनी ऐसी चीजें की जो कि अनयूजुअल थी, अनयूजुअल थी. कितनी ऐसी चीजें की. मैं अभी एलन मस्क इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड राइट नाउ, मैं उसकी एक दफा एक बात सुन रहा था. उसने कहा कि सिर्फ इसलिए कि मैं 20-21 घंटे जागना चाहता था, आई यूज टू टेक 7 कॉफीज अ डे, क्योंकि मैं जागना चाहता था, मुझे काम करना था, मैं अपने काम पे था, तो मुझे नींद भी मुझे लग रहा था कि मेरे लिए वेस्ट ऑफ टाइम है. इनसेन है, सेंसिबल बात नहीं है. तो ये जो इंसेनिटी है, जो इंसेन होना है बेसिकली, ये आपको लेके जाएगी सक्सेस की तरफ. अभी मेरा ख्याल है कल या परसों मैं आपके साथ ही बात कर रहा था गालिब की, तो गालिब ने क्या किया था, सारा सारा दिन रात बैठ के लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, पता नहीं कितना वेस्ट करते होंगे, कितना वो स्टैश करते होंगे सब चीजों को. उसके बाद देयर वाज समथिंग जो एक बड़ा जुनूनी थी, जुनूनी हरकत थी, और उसके बाद ही गॉट दैट फेम. और बाकी आपके इतने सेंसिबल शायर क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पाते, दैट्स द रीजन. तो ये इनसेन होना पड़ेगा, आपको जुनूनी होना पड़ेगा, तब जाकर यू गेट सक्सेसफुल. अगर सेंसिबल चीज की बात करें तो इट्स गोइंग टू गिव यू एवरेज सोफिस्टिकेटेड रिजल्ट्स.
हम्म